दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग क्या कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्क्रीन पर कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या दोस्तों, यानी ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लाइव क्लास आना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं 9 बजे रात जो लाइव आता हूं तो आप भी जुड़ पाओ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे क्या कह रहा है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या दोस्तों, सी नंबर यानी श्रवण वेल गोला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे दोस्तों। चलिए तो आ चुकी है तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्या कह रहा है तीसरा नंबर, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या है दोस्तों, बी नंबर यानी जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी 4 नंबर को देखेंगे, 4 नंबर स्क्रीन पे आ चुके हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या है दोस्तों, डी नंबर यानी वीरहद्रथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीरहद्रथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यानी 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख पाएंगे आप लोग अच्छी तरीके से, मौर्य कालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो राइट आंसर की बात करें क्या है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर यानी पाण्य अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा, पाण्य अध्यक्ष राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर की बात करें क्या होगा दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर यानी पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लाइव क्लास आना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य कालीन राज्य कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर यानी उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा स्पीड में बोला क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि 62 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो राइट आंसर की बात करें क्या होगा दोस्तों, 8 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यानी 9 नंबर को देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, मौर्य काल में ब्रोह देह क्या था। तो राइट आंसर की बात करें क्या होगा, 9 नंबर का सी नंबर यानी भूमिदान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 10 नंबर को देखेंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या है दोस्तों, 10 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस आदेश में भेजा। तो राइट आंसर की बात करें क्या है दोस्तों, 11 नंबर का यानी डी नंबर राइट आंसर यानी सिंधलदीप राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यानी 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर की बात करें क्या है दोस्तों, यानी 12 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया। तो राइट आंसर की बात करें क्या है दोस्तों, 13 नंबर का ए नंबर यानी उपगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ, तो 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पाएंगे आप लोग क्या करें, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो राइट आंसर की बात करें 14 नंबर का ए नंबर यानी खरोष्टी लिपि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला को देखेंगे, तो 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए। तो राइट आंसर की बात करें क्या, 15 नंबर का डी नंबर यानी 44 अभिलेख प्राप्त हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी 16 नंबर को देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। तो राइट आंसर की बात करें क्या दोस्तों, यानी 16 नंबर का सी नंबर राइट आंसर श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर की बात करें 17 नंबर का बी नंबर यानी मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी। तो राइट आंसर की बात करें क्या दोस्तों, 18 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी वैशाली। तो दोस्तों इस चैप्टर से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसीलिए लंबा टॉपिक है दोस्तों। तो अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था। तो राइट आंसर की बात करें क्या, 19 नंबर का डी नंबर यानी राजगृह का रहने वाला था। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो जीवक की ख्याति किस रूप में थी, राइट आंसर की बात है सी नंबर यानी बौद्ध भिक्षु के रूप में।